थी ऐसे छोटे नष्टीकरण की कार्रवाई चल रही है। जो अवैध मदिरा जो जब्त हुई थी पिछले करीब 15 से 18 वर्षों में पुरानी मदिरा, उसका नष्टीकरण की कार्रवाई ठीक है। सर ये नष्टीकरण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? आज समस्त खरगोन जिले के आबकारी के जितने भी पुराने प्रकरण थे जिनका न्यायालय में हो चुका है निर्णय और उसकी अपील अवधि वगैरह बीत चुकी है, तो 2005-06 से लगभग नष्टीकरण के वो ऐसे प्रकरण कुल मिलाकर के लगभग 453 प्रकरण हैं, जिसमें कि कसरावद, खरगोन, भिकनगांव और मंडलेश्वर और बड़वा के थानों के भी प्रकरण इसमें थे। इन प्रकरणों में जितनी निर्णित अवैध मदिरा थी उसका कलेक्टर महोदय के द्वारा जो गठित समिति है उसके समक्ष नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर के 33,900 लीटर के लगभग मदिरा का नष्टीकरण आज किया जा रहा है, जिनकी कि आज की डेट में बाजार मूल्य 90 लाख रुपये है। तो ये कार्रवाई अभी चलती रहेगी? कार्रवाई चलेगी, काफ़ी मदिरा है जिनका नष्टीकरण अभी भी किया जा रहा है। लगभग 6 से 7 ट्रक, बड़े ट्रकों में माल है। कितने समय के केस हैं सर? लगभग 15 से 18 साल पुराने केस हैं। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।